सब्सक्राइब कीजिए क्यू हेल्प चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय राज और स्वागत है आप सभी का क्यू हेल्प में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यूसी ब्राउजर के एक बहुत ही अच्छे फीचर के बारे में, जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार फीचर है। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। अगर आप यूसी ब्राउजर यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में जान सको, टेक्नोलॉजी वीडियो के बारे में जान सको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और ऑन कर लेते हैं यूसी ब्राउजर। तो इसके लिए आपको यूसी ब्राउजर इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। तो यहां से आप देख लीजिए यूसी ब्राउजर का इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां से देखिए, आप इस तरीके से आप इसे लेफ्ट साइड में स्लाइड करोगे तो ये जो फीचर्स हैं ये आ जाएंगे। देखिए, तो ये आपको स्लाइड करके और यहाँ पर यूट्यूब पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप यूट्यूब पर टैप करेंगे तो इस तरह इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो भी आपको वीडियो चलाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम कोई भी यूट्यूब वीडियो चला लेते हैं और चलाने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहां से प्ले कर लीजिए। तो यहां पे कंटिन्यू कर लेना है आपको और यहां पे इसे प्ले करके दिखा देते हैं हम आपको। तो ये प्ले हो जाएगा। जैसे ही आप इसे टैप करोगे तो देखिए यहां पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप इस पर जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये अलग विंडो, इस तरीके से ये विंडो आ जाएगी। अब इस विंडो को यहां से वापस भी कर सकते हैं इसे आप क्रॉस लगा के, और देख लीजिए यहां से इसे विंडो, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो अलग से हो जाएगी। इसे आप ऊपर या नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी विंडो की दूसरी खासियत क्या है ये हम आपको बताएंगे। अब इस विंडो को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं और यहां यूसी ब्राउजर में नया पेज भी खोल सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी जो वीडियो है, ये जो आपका विंडो खुल गई है, ये आपकी वीडियो प्ले करती रहेगी, आपको जो वीडियो है चलती रहेगी और आप अपने यूसी ब्राउजर में कुछ भी काम कर सकते हैं। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि फ्रेंड्स, इसको आप अगर मिनिमाइज कर देते हो, इसको एप्लीकेशन को यूसी ब्राउजर को आप मिनिमाइज कर देते हो, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप होम बटन दबाकर मिनिमाइज करते हो तो ये विंडो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाती है और यूसी ब्राउजर मिनिमाइज हो जाता है। तो इसको आप यहां से जो कॉर्नर में देखिए, यहां पे जो वाइट वाइट दिख रहा है, इसको खींच के यहां से, और इसको खींच के बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, अपने एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह फ्रेंड्स आप, और यहाँ पर जो ऊपर वाला राइट कॉर्नर है, यहाँ पर आप इसे दबाकर इसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो इसे यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ भी आप चलाकर दूसरा एप्लीकेशन में काम करना चाहते हो या कुछ देखना चाहते हो तो वो सब देख सकते हो, नेट चलाना चाहते हो आप। यहाँ पर ये जो फीचर है ब्राउजर, यूसी ब्राउजर का, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये अभी पता चला है हमें। तो हमने जैसे ही हमें पता चला तो हमने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये ब्राउजर अच्छा लगा, ये फीचर अच्छा लगा, आप भी नहीं जानते थे तो ये अभी ट्राई करके देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।